हरे भरे खेतों से भरपूर पैदावार, अन्न के अंबार, ताल तलैयों में नीली क्रांति से समृद्धि, पशुपालन से आमदनी में इजाफा, खुशहाल और संपन्न किसान परिवार। बीते 3 सालों में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रयासों ने गांवों की तस्वीर और किसानों की तकदीर बदल दी है। हमारे सामने चुनौती थी, एक के बाद एक योजना बनाई, हम किसान को ताकतवर बनाने के निर्णय करते हैं। दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व, जमीनी हकीकत से जुड़ी नीतियों और पर्याप्त बजट आवंटन से खेत खेत हरियाली, गांव गांव खुशहाली का सपना तेजी से साकार हो रहा है। एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री ने सन 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य तय किया है। लहलहाते खेतों के लिए स्वस्थ धरा तो खेत हरा की बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए देशव्यापी सॉयल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा कार्ड बांटे जा चुके हैं और अगले 3 महीनों में तय लक्ष्य पूरा किया जाएगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी पहुंचाने के मकसद से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत खेतों में तालाब बनाने और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। माइक्रो इरिगेशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप का प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसके तहत भी प्रधानमंत्री जी ने इस बार में 5,000 करोड़ का कर्पस फंड बनाया है। जैविक खेती से किसानों की आमदनी की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की गई। खेती की नई तकनीकों, प्रमाणीकरण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन और बाजार तक की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जैविक खेती के तहत संचयी क्षेत्र 7.23 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2014-2017 के दौरान 20 लाख हेक्टेयर हो गया है। और ये पवन अब सिक्किम तक सीमित नहीं है, जैविक पवन पूरे देश में फैलने वाला। इन प्रयासों से सिक्किम को देश के पहले संपूर्ण जैविक राज्य बनने का गौरव हासिल हुआ है। उत्तर पूर्व में जैविक खेती के विकास के लिए एक विशेष राष्ट्रीय मिशन भी लागू किया जा रहा है। खरीफ, रबी और बागवानी तथा व्यावसायिक फसलों के लिए बेहद कम प्रीमियम और अनेक सुधारों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को सुरक्षा कवच मिला है। इसके साथ ही कृषि ऋण की व्यापक और आसान व्यवस्था ने किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराकर उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान की है। मंत्रालय ने दालों के उत्पादन में ठहराव को चुनौती मानते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कुल बजट का 60% दालों के नाम कर दिया। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों, नई किस्मों और नई नीतियों के जरिए समग्र प्रयास किया गया। 2016-2017 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 22.40 मिलियन टन अनुमानित है, जो अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन होगा, जो पिछले वर्ष 2015-2016 से 37% अधिक है। अपने 3 वर्ष के अंदर कई योजना हमने चलाई। एक तो समर्थन मूल्य दालों का बढ़ा, फसल की बिक्री में बिचौलियों को समाप्त करने और एक पारदर्शी बाजार व्यवस्था विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम विकसित किया गया। ई नाम पोर्टल एक बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है और मैं मानता हूं किसान का जैसा स्वभाव है, एक बार उसको विश्वास पड़ गया तो वो उस भरोसे पर आगे बढ़ने चालू कर देगा।
ये देश भर की प्रमुख कृषि मंडियों का एक नेटवर्क है जो किसानों और व्यापारियों को साझा डिजिटल मंच प्रदान करता है। अब तक 13 राज्यों की 417 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं। इनकी संख्या जल्द ही 585 तक पहुंच जाएगी। 15 मई 2017 तक 20 करोड़ रुपए के 84 लाख टन कृषि उत्पाद का कारोबार ई नाम पर हो चुका है। 15 मई 2017 तक 46 लाख किसानों, 90,000 व्यापारियों और 46,411 कमीशन एजेंटों को ई नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया जा चुका है। साथ ही कृषि निर्यात को बढ़ावा देकर भी किसानों की आमदनी बढ़ाने की ओर ठोस कदम उठाए गए हैं। बागवानी विकास की अनेक योजनाओं को समेकित करके एकीकृत बागवानी विकास मिशन शुरू किया गया, जिसमें नई तकनीकों से लेकर कोल्ड चेन के विकास और बाजार सुविधाओं तक को वित्तीय सहायता दी जा रही है। देश के उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर में बागवानी विकास के लिए विशेष पैकेज दिए गए, जिससे इन क्षेत्रों में अधिक बागवानी से किसानों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर में सैफरन पार्क की स्थापना करने से इस क्षेत्र के किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए गए हैं। शहद की व्यावसायिक संभावनाओं को देखते हुए मधुमक्खी पालन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 3 वर्ष में काफी उत्पादन बढ़ा है। पहले मुश्किल से साल में 2-3 करोड़ रुपया लगाते थे, अब 25-30 करोड़ रुपया अब हम मधुमक्खी पालन के विकास पर जोर देने के लिए कर रहे हैं और सभी राज्यों में एक विकास केंद्र उसका स्थापित कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में डेयरी विकास के नए प्रयासों ने दूध उत्पादन की वृद्धि दर को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया है। गौ पशुओं की देशी नस्लों के प्रजनन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में 14 गोकुल ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही 2 राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्रों की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। एक नई योजना राष्ट्रीय बोवेन उत्पादकता मिशन के नाम से शुरू की गई है। दूध का उत्पादन 2011-2014 के दौरान 398.01 मिलियन टन हुआ था, जो कि 2014-2017 के दौरान बढ़कर 465.5 मिलियन टन हो गया है। 3 वर्षों के उत्पादन विकास की वृद्धि दर 16.9% रही है। मछली पालन की नई तकनीकों और वित्तीय सहायता से नीली क्रांति का सपना तेजी से साकार हो रहा है। डीप सी फिशिंग के लिए एक नई योजना शुरू की गई। वर्ष 2011-2014 के दौरान मछली का उत्पादन 272.88 लाख टन था, जो कि 2014-2017 के दौरान बढ़कर 327.74 लाख टन हो गया है। 3 वर्षों के उत्पादन विकास की वृद्धि दर 20.1% रही है। वर्ष 2011-2014 के दौरान अंडा उत्पादन 210.93 बिलियन था, जो कि 2014-2017 में बढ़कर 248.73 बिलियन हो गया। 3 वर्षों के उत्पादन विकास की वृद्धि दर 17.92% रही है। अनुसंधान के नतीजों को किसानों तक तेजी से पहुंचाने के लिए लैब टू लैंड की मुहिम को प्रभावी और मजबूत बनाया गया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़कर 689 तक पहुंच गई और प्रत्येक जिले में 1 केवीके के साथ बड़े जिलों में 2 केंद्र खोलने की पहल की गई। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के अंतर्गत देश भर में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 100 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के मिशन को कामयाब बनाने में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अहम भागीदारी निभा रहा है। किसानों को उनके मोबाइल फोन पर अनमोल जानकारियों और उपयोगी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अनेक मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं, जो किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। मोदी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में
कृषि क्षेत्र में उन्नति एवं किसान कल्याण की योजनाओं के परिणाम दिखने लगे हैं। मोदी सरकार में किसान हित में मंत्रालय द्वारा खर्च बजटीय प्रावधान से ज्यादा किया जा रहा है। 2016-2017 में जहां बजटीय प्रावधान 45,035 करोड़ रुपए था, तो वहीं संशोधित बजटीय आवंटन में ये बढ़कर 57,503 करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष 2016-2017 में खाद्यान्न उत्पादन के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस वर्ष कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि दर लगभग 4.4% रही है। 2016-2017 के दौरान तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 273.38 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2015-2016 की तुलना में 8.67% अधिक है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि खाद्यान्न का ये उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन से भी 6.37% अधिक है। ये एक झलक है पूरी तस्वीर बदलने के लिए। चाहिए आपका साथ ताकि पूरा हो सके हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प, सबका साथ सबका विकास।